13 तारीख इतवार वाले दिन हम लाहौर में खादिम हुसैन रिजवी के जनाजे का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। मैंने कहा रिकॉर्ड तू कैसे तोड़ेगा, नवाज शरीफ तू भी मर जा, शहबाज भी मर जाए, हमजा भी मर जाए, सरदारी भी मर जाए, इमरान भी मर जाए, सारी सियासी जमातें एक मरतबा नहीं हजारों मरतबा मर जाए, फिर भी उस मरते कलंदर के जनाजे में आने वालों का रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकते हैं। लब्बैक, ये मेरा दावा है कि कोई तोड़ नहीं सकता। इसलिए तो आप कहेंगे नहीं मुफ्ती साहब हो सकता है आ जाए, इंसान है, लोग है, हो सकता है आ जाए। मैंने कहा इतने लोग अगर बिल फर्ज आ भी जाएं फिर भी रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकते, इसलिए कि मेरे कायद के जनाजे में इंसान तो इंसान फरिश्ते भी मौजूद थे। फरिश्ता तुम्हारा बाप लाएगा, अरे फरिश्ता तुम्हारे किरदार से नहीं आता बल्कि खादिम हुसैन रिजवी जैसे किरदारों से, आसमान से फौज दर फौज फरिश्तों की आमद होती है। कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकता, रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे। वो मरियम बोल रही थी कि लाहौर हुकूमत बनाती है और लाहौर हुकूमत तोड़ती है, लाहौर और लाहौर हुकूमत है और लाहौर ही हुकूमत है। हाँ बोलो लाहौर ऐसा। अब गली गली कूचे कूचे वो दावत दे रही है हर तरफ, लाहौर हुकूमत बनाएगी, लाहौर हुकूमत तोड़ेगी। मैंने कहा हाँ बात बिल्कुल ऐसी है, तुम्हारी ही बात मान लेते हैं, लाहौर हुकूमत बनाती है, लाहौर हुकूमत तोड़ती है। मेरे कायद ने हुकूमत बनाई ली है, करोड़ों का मजमा भुला के आपने पहले से ही ये पैगाम दे दिया है कि मेरे लब्बैक वालों, मेरे नबी के दीवानों, मेरे नबी से मोहब्बत करने वालों, जैसे मेरे मौजूदगी में तुमने जुर्रत बहादुरी दिखाई है उसी अंदाज में चलते रहना, इसलिए इसलिए कि करोड़ों का मजमा आके ये पैगाम दिया जा रहा है कि आने वाली हुकूमत लब्बैक पाकिस्तान की है।